दिल्ली के सम्राट होटल में AIAC एक्सीलेंस अवार्ड 2017 का आयोजन कराया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि रजा मुराद और अवतार गिल, राकेश बेदी समेत कई मशहूर हस्ती थे। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली के अनुराध लाल भी और गूगल बॉय कौटिल्य पंडित भी मौजूद थे। आपको बता दें, AIAC एक्सीलेंस अवार्ड 2017 का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिसमें महिलाओं को अपने बलबूते पे खड़ा होना और साफ तौर पे जिन्होंने अपने देश के लिए भारत का नाम ऊंचा किया है उसको आगे दिखाना है। आइए दिखाते हैं आपको किन किन लोगों को एक्सीलेंस अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया। वहीं A2Z न्यूज़ चैनल की प्रेसिडेंट मिस सुनीता गुप्ता को भी AIAC एक्सीलेंस अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया।
आइए सुनाते हैं आपको सम्मानित होने के बाद सुनीता गुप्ता ने क्या कहा। Congratulations to all the award winners and all guests. I only want to say that about myself that I started as a chartered accountant, but when I ventured into media, I found there's nothing more interesting than that. It really has given new, it has given new dimensions to my personality, which was I never knew I had. So I would say whatever, wherever we can find what we can do best, there is no age to that. Thank you. वही मशहूर और दिग्गज एक्टर रजा मुराद ने भी सुनीता गुप्ता की तारीफ के कसीदे पढ़ दिए। इनसे ज़्यादा तो कोई मुस्तहिक नहीं है। ये महिला होके ये चैनल चलाती हैं, ये दूसरों को भी प्रेरित करेंगी, दूसरे भी इनसे प्रेरणा हासिल करेंगे। एक चैनल चलाना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और एक महिला के लिए। तो मैं इन्हें दिली मुबारकबाद देता हूं, और मैं यही इनसे कहूंगा कि जिस तरीके से आप अपने चैनल को बुलंदियों पर ले गई हैं, बस हमेशा सच दिखाइए, सच के सिवा कुछ ना दिखाइए, जैसा कि आज तक आप दिखा रही हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ और आपके चैनल के साथ और चैनल के तमाम दर्शकों के साथ। आइए ज़रा मशहूर हस्तियों से आपको भी मिलवाते हैं। मशहूर कलाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज अवार्ड मिला है, महिलाओं को सम्मानित किया गया है, किस तरीके से आप ये देखते हैं होना चाहिए? भाई, मैंने तो जैसे अगर आपने सुना होगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इसलिए उनका हौसला बढ़े और वो डिज़र्व करते हैं। हम उन पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, ये हम लोग जैसे मैंने वहाँ का हम खाम का बोलते रहते हैं, वो कोई कमज़ोर या वीकर सेक्स नहीं है। किस फील्ड में उन्होंने प्रूव नहीं किया है, हर फील्ड में प्रूव किया। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो और बड़े लेवल पे हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, और उनका जो अचीवमेंट्स है उसको रिकग्नाइज किया जाए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली ये मुझे अवार्ड मिला है इसलिए क्योंकि मैं एक मुस्लिम होके सीता का रोल प्ले करती हूँ। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि मुस्लिम्स अलग मतलब होते हैं, हिंदू अलग, वो लड़ाई झगड़ा, अलग खुद को समझना। तो मैं वो एक मैसेज सबको देती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मैं सीता नहीं बन सकती, या मैं एक हिंदू का प्ले नहीं कर सकती, या मेरे हिंदू फ्रेंड्स नहीं हो सकते, या वो गलत है। मैं सबको यही एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सब एक है, इंसानियत होनी चाहिए, आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम लोग यही सोचते रहेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आई एम हियर टू रिसीव दिस अवार्ड, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा देखकर कि महिलाओं को इस तरह से सम्मान से नवाजा गया। आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें और महिलाओं को इसी तरह से प्रोत्साहन मिलता रहे। देख लिया आपने किस तरीके से AIAC एक्सेलेंस अवार्ड 2017 का आयोजन किया गया, देश का नाम ऊंचा करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता अभिषेक बच्चन है। A to Z न्यूज़ के लिए अली अब्बास नकवी की रिपोर्ट।